केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दिलेल्या दट्ट्यानंतर सुरेश कलमाडींनी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचं आजीव अध्यक्षपद नाकारलंय. 2010 कॉमनवेल्थ स्पर्धेच्या तयारीत घोटाळा केल्याचा आरोप कलमाडींवर आहे. पण तरीही मंगळवारी चेन्नईत झालेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत कलमाडी आणि अभय सिंग चौटाला यांची आजीव अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पण क्रीडा खात्यानं त्यांना पदावरनं हटवलं नाही. तर क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा काही संबंध राहणार नाही अशी कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता कलमाडींना माघार घ्यावी लागली. कि खेलों में ट्रांसपेरेंसी और खेलों में गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि सरकार समय समय पर यह देखे. इसीलिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जिसको फेडरेशंस लागू भी कर रही हैं. आईओ किस तरीके के एग्जाम्पल साबित कर रहे हैं ये आईओ के प्रेसिडेंट और उनके पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि अगर इसी तरह के आप एग्जाम्पल तय करेंगे तो कल को स्पोर्ट्स फेडरेशन भी ये करेंगे. तो जाहिर तौर पर कलमाडी जी अगर ये फैसला करते हैं कि वो पोस्ट को मंजूर नहीं करेंगे तो चौटाला जी को भी यही फैसला करना चाहिए.